हेलो फ्रेंड, आज हम आपको डिजाइनर गला बताएंगे जिसके लिए हमने ये बुकरम लिया। देखिए, बुकरम की जो लंबाई ली है हमने वो 13 इंच ली है और जो इसकी चौड़ाई ली है वो हमने 8.5 इंच ली है। और इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, ये देखिए दो लेयर में। और उसके बाद जो हम इसे गले की चौड़ाई रखेंगे ऊपर से वो लेंगे हम 3 इंच। हमारा 6 इंच है खुल के, 6 का आधा होता है 3। और उसके बाद जो इसकी गहराई रखेंगे वो लेंगे हम 6 इंच। और इसे नीचे से भी हम 3 इंच ही लेंगे और इसे इससे मिला देंगे इस तरीके से। ये हम बैक वाला गला बना रहे हैं। आप इसकी लंबाई 8 या 9 जितना पहनती हैं आप उस हिसाब से ले सकती हैं। इसकी हमने छोटा गला पहनते तो इसकी वजह से 6 इंच लिया है। तैयार ये हमारा 5.5 होगा, आधा इंच इसी में हमने सिलाई के लिए ले लिया है। और इसे यहाँ से इस तरीके से कर्व दे के राउंड शेप दे देंगे इस तरीके से। उसके बाद जो हम इसमें अपना डिजाइन देंगे उसके लिए हम यहाँ से 6 इंच लेंगे नीचे की तरफ। और यहाँ से इसे हम 2 इंच लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। यहां से इसे 2 इंच लेके और इससे इस तरीके से सीधा मिलाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। और जो इसमें हम मार्जिन रखेंगे वो हम ज्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि हमें अंदर की तरफ पलटना है। वो हम लगभग 1 इंच रखेंगे, आप जितना रखना चाहती हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको इसी तरीके से कट करेंगे, पहले हम अंदर की साइड से कट कर लेंगे, ये हमें नीचे से भी कट करना है इसी तरीके से। देखिए इस तरीके, और उसके बाद ये 1 1 इंच का मार्जिन रख के इसे कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसकी खुल के शेप आई है। और उसके बाद जो हमारे अंदर से पैटर्न बचता है इसी में से, या कोई और एक्स्ट्रा बुकरम पड़ा हो उसमें से इसके लिए हम पैटर्न निकालेंगे। ये देखिए ये हमें यहाँ तक निकालना है, ये इससे नाप के तब निकालना है इस तरीके से। ये जो निशान है इससे हमें थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है ताकि हमारा सिलाई में चला जाए। इस निशान से थोड़ा सा आधा आधा इंच एक्स्ट्रा कट करना है इसे। देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से आएगा। कुर्ती की कटिंग हमने नॉर्मल पहले से ही कर रखी है, ये इसके अंदर आएगा। इसे आप सिलना बताएंगे। अब ये देखिए एक कपड़े के ऊपर सिल लेंगे। ये हमारे कुर्ती का कलर का कपड़ा है, कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हो इसमें। और ये पूरे पे हमने सिलाई लगा लेंगे। ये हमें पूरे बुकरम के ऊपर एक सिलाई लगा के तैयार करना है। अब ये देखिए पूरे पे सिलाई लगा ली है। उसके बाद में ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे, थोड़ा थोड़ा रखेंगे फोल्ड करने के लिए इसके ऊपर जो हम फोल्ड करेंगे। और ये जो हमारे कॉर्नर है यहाँ पर हमें कट लगा के फोल्ड करना है ताकि वे अच्छे से फोल्ड हो जाए। और इसके ऊपर पूरे के ऊपर इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे।
इसे चारों तरफ से फोल्ड करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने पूरे पे फोल्ड कर लिया, और उसके बाद में जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है इसे हम कट कर लेंगे। अब ये देखिए ये पूरा हमने कट कर लिया, उसके बाद में इसे बीच सेंटर निकालेंगे और एक कट लगाएंगे, और इसी तरीके से कुर्ती का बीच सेंटर निकाल के उसमें भी एक कट लगा लेंगे, और इस पे ऐसे करके स्केच बना के एक मार्क करेंगे बीचों बीच में। अब ये देखिए इसका और इसका बीच सेंटर है बिल्कुल, और हमने मार्क कर लिया। एक सीधी सिलाई लगाएंगे, आप चाहे तो पिनअप भी कर सकते हो, इस पे कच्ची सिलाई लगा सकते हो। इसे यहाँ तक ऐसे सिलेंगे, देखिए हमें यहीं तक सिलना है। और ये देखिए उसके बाद हमें ये बुकरम से हटा के सिलाई को लगाना है। और ये पूरे में सिलाई लगा के हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए चारों तरफ हमने सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद में हमें सिलाई के लिए कपड़ा रख के एक्स्ट्रा कपड़े को कट करना है। अब ये देखिए ये बीच का कपड़ा निकाल लिया है, और इन कॉर्नरों पे हमें अच्छे से कट लगाना है, सिलाई ना कटने पाए। कट को इस साथ लगाएं कि सिलाई ना कटने पाए, और इसमें बीच बीच में कट लगा लें, सिलाई से हटा के लगाने हैं, कट ना पाए। अब उसके बाद ये देखिए इसको हमें पलट के अंदर की तरफ करना है इस तरीके से। ये अच्छे से सेट करके और पलट के इसे बिल्कुल अंदर की तरफ कर देंगे, चारों तरफ सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। अब देखिए पूरे में हमने सिलाई लगा ली, और इससे थोड़ा सा हटा के हमें एक और सिलाई लगानी है। ये चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। अब ये देखिए जो हमने ये बुकरम कट किया था उससे थोड़ा सा चौड़ा, और ये इसके डबल हमने कपड़े को कट किया है, जिससे हम डिजाइन देंगे और इसे सिल के तैयार करना है। ये देखिए पहले बुकरम से अलग हमें ये खाली सिलना है थोड़ा थोड़ा, ताकि हमारी फिनिशिंग दिखे। इसे इधर से सिलना है। अब ये देखिए दोनों तरफ हमने सिलाई लगा ली है, उसके बाद में इसे हमें ऐसे करके पलट के सीधा करना है, और ये जो बुकरम है इसको इसके अंदर डाल के तब सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इसको इसके अंदर डालना है सीधा के सीधा बुकरम को। इससे पहले हल्का सा ऐसे फोल्ड करके तब डालेंगे, सीधा डालने में दिक्कत होगी। इसे इसके अंदर अच्छे से सेट कर देंगे। अभी देखिए इसके अंदर हमने बुकरम को डाल लिया है, और इसे इस तरीके से एक बार सिलाई लगा के फोल्ड कर देंगे। देखिए ये इस तरीके से बना के हमने तैयार किया है, और ये इस तरीके से लगाना है इसके अंदर। देखिए इस तरीके से आएगा यहाँ पर। और जो हम इसमें डिजाइन देंगे वो हमने ये पट्टियां कट की हैं लाल कलर और ये ब्लू कलर में, दोनों कलर की पट्टियां कट की हैं, जिनकी चौड़ाई और लंबाई हमने बराबर ली है, चार चार इंच की है। और ये जो हमारे लाल कलर में है ये हमने
ढाई ढाई इंच की कट की हैं। अब देखिए सबसे पहले हमें ये यहाँ से इसे अच्छे से रख के और तब सिलाई लगाना है। इसे पक्का कर लेंगे सिलाई को, ताकि हमारा पहनते समय ये सिलाई ना टूटने पाए। और सबसे पहले हम ये नीले कलर में लगाएंगे। ये इसको इस तरीके से इस कॉर्नर से मिलाना है और इसको इस कॉर्नर से, तब इसे यहाँ इस तरीके से सेट करना है। देखिए आधे में सिलाई लगानी है हमें इसके ऊपर। सॉरी, एक और ये रेड कलर वाला लगाएंगे हम, इसी के साथ ही लगा देंगे, वो भी फिर दोबारा में दिक्कत होगी लगाने में। ये देखिए इसे अच्छे से सेट करके लगाना है दोनों को। ये देखिए फिर से बताते हैं हम, ये नीले कलर का लेना है सबसे पहले इस तरीके से, और फिर इसके ऊपर ये लेना है, और इसी तरीके से हमें ये लाल बना के रखना है इस तरीके से। ये दोनों बिल्कुल अच्छे से एक सार होने चाहिए और इसे यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ से हमें ये सिलाई को बिल्कुल एक साथ से लेना है अच्छे से सेट करके। अभी देखिए इधर से हमने इस तरीके से लगाया, इसी तरीके से हमें ये इधर लगाने हैं। देखिए कॉर्नर से कॉर्नर मिलाना है इसका, और फिर से हमें ये लाल कलर का बनाना है इसी तरीके से सेम, और इसके ऊपर इसे रखेंगे और इसे अच्छे से। इसी तरीके से हम ये दूसरा वाला लगाएंगे। इसे यहां से भी पक्का कर लेंगे, ताकि हमें पहनते समय ये खींचे ना सिलाई। अभी देखिए इस पर हमने ये कमूरा लगा लिए हैं, और उसके बाद में हमें यहाँ पर मोती अटैच करना है इसमें, ये वाइट कलर का सुई में धागा डाला है, उस सुई को हम नीचे की तरफ से निकालेंगे इस तरीके से, और इसमें यहीं पर अटैच करेंगे। ये देखिए दो हमने इस तरीके से लगा लिए हैं, और इसी तरीके से हमें ये तीसरा वाला लगाना है। देखिए सुई को नीचे की तरफ से ही लेना है, और ये इन दोनों का मूरे में होके लेना है। ये इसी तरीके से लगाना है, ये हमने कई सारी वीडियो में आपको बता रखा है पहले भी, आप हमारी वो वाली वीडियो देख सकते हो। इसे अंदर की तरफ लेके ऊपर के नॉट्स लगा देंगे इसी तरीके से, और दूसरा वाला भी लगा के तैयार कर लेंगे। अब ये देखिए हमने इसमें यहाँ पर भी मोती लगा लिया, आप चाहे तो इन्हें लगा सकती हैं, वरना इन पर ऐसे भी, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये कितने मोती आप लगाना चाहते हैं। ये बीट्स हमने लगा के तैयार कर लिया। अगर हमारी वीडियो ये आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।